Hi, my name is Karan Jotwani, and I just want to share, I don't know what. We had Shashant Bhai committing suicide sometime back, and one really doesn't know what goes through. I'm actually nahi pata chalta ki what goes through in someone's mind when they are about to take a step and when they are feeling normal. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को बता नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या है, हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं. बहुत ही एक हेल्पलेस सिचुएशन आ जाती है हमारे लाइफ में, और हम लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये हमें महसूस क्यों हो रहा है. जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ से ये रहा है कि आई बीन बैटलिंग मेंटल हेल्थ फॉर अ वाइल. वेरी ड्यूटीफुली मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको बताना कि इट इज़ नॉट ईजी to go out there and win. It is not easy to get up in the morning and go to work. It is not easy to sleep. It is not easy to possibly fulfill all your dreams. It is not easy to tell yourself that listen, it's going to be fine tomorrow. Kyunki aasan nahi hai. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कुछ समय के लिए मेंटल हेल्थ के दौरान हमें यह समझ में आता है कि हमें हमारी एनर्जी गिर रही है. हम वैसे नहीं हैं जैसे हम थे. देर इज समथिंग लैकिंग. देर इज अ पार्ट ऑफ यू दैट इज नॉट बीइंग एबल टू बी हु यू वर बिफोर. बट देन यू सीन योर सेल्फ एट योर बेस्ट एंड देन करंटली यू कैन सी योर सेल्फ एट योर बेस्ट. So these things put more questions in your mind. And with these tough times and with challenges and with work and with handling personal relationships, professional relationships, all of this gets really heavy to sustain. हम नहीं समझ पाते कि किसी और के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसी दुनिया बन गई है जो एक दूसरे को जज करती है. आज आप कुछ कहो या नहीं कहो, लोग आपको फिर भी जज करेंगे. तो मैं आपसे ये कहता हूं कि प्लीज वोकलाइज कीजिए इस बात को. अगर आपको तकलीफ हो रही है तो तकलीफ हो रही है. अगर आपको बुखार है तो आप अपने परिवार को बोलेंगे, अपने मां बाप को बोलेंगे कि हां मुझे बुखार है, मुझे दवाई लाके दो. तो आप फिर मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट क्यों करते हैं? व्हाई डू यू टेक दिस फॉर ग्रांटेड? ये अपने आप को बोल के कि हां सबके पास प्रॉब्लम्स है. अगर आप अपने आप को ये बोले कि हां दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स है, तो आप उनके बारे में फिलहाल क्यों सोच रहे हो? अपने बारे में सोचो ना. आपकी खुद की जिंदगी है, करेक्ट? किसी और की जिंदगी नहीं है. आप अपने लिए जी रहे हो, किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, और वो इंसान आपके लिए नहीं जी रहा है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वोकलाइज कीजिए मेंटल हेल्थ को. डिप्रेशन इज नॉट समथिंग दैट इज लाइट. आप और मैं अलग अलग हैं, हम अलग दिखते हैं, तो हमारे दिमाग तो अलग ही होंगे, राइट? वी कांट थिंक द सेम. हम सिर्फ लोगों से उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकते हैं, वो अपनी कहानियां बता सकते हैं, हम मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जीना हमें. टुडे somebody कैन गाइड यू टू द फिनिश लाइन, बट रिमेंबर यू आर द वन हू सपोज टू क्रॉस इट. इट इज नॉट ईजी टू सस्टेन लाइफ टुडे. इट इज नॉट. These are indeed tough times. हम क्या करेंगे? हमें पता चला कि किसी ने suicide attempt किया है, तो हम अपने आप को बोलेंगे कि वाह, okay, let's be more aware about mental health, let's talk about it, let's mourn. Then after some time, life goes on, buddy. Because you're so busy making your living that you forget about what someone went through. I get it. We're human beings, we're animals, we're selfish people. A part of us is also selfless. Today I make a request to you as a mental health person, as somebody who's deep into mental health, as somebody who's been through depression, who's been through insomnia, who's been through crazy thoughts in my mind. Please speak up. Talk about it. We're there for each other. We're there to help each other. When you're working towards a goal, you have a team. They work together. Individually, even in a business that you start, you can't do it on your own. You have to do it with somebody else. Correct? So remember, there's always a group of people who will help you out, who will guide you, who will make you feel secure and tell you that, listen, it is okay if you're going through something. It is completely fine. This is life. It's not supposed to be perfect for everybody.
इवन पीपल हू आर परफेक्ट हैव इम्परफेक्शंस. आई नो वी हैव टू वेट फॉर टाइम्स लाइक दिस. हमें वेट करना पड़ता है कि ऐसा कुछ हो किसी की लाइफ में या दुनिया में और हमें झटका मिले और हम लोगों को बोले कि यार प्लीज बी मोर अवेयर. But on a very personal scale, I have made it a point to vocalize mental health all the time. I've always told people ki please be there for one another all the time. The effort, the willingness to try is what is the most important. It is the most important. Even on your darkest days, you know, sometimes when you don't have any energy, when you can't sustain that pendulum, when you can't possibly feel great about yourself, you will tell yourself कि नहीं यार मैं किसी को नहीं बताता, मैं एक कोपचे में बैठ जाता हूँ अकेले एक डार्क स्पेस में ताकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं दूँ. लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है. मैं जानता हूँ लोगों के इश्यूज हैं, लोगों के खुद के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाहर जो आपकी मदद करना चाहेंगे, बहुत करना चाहेंगे. और whatever decision people take when they commit suicide is theirs, it's personal. And I think that has to be respected. I know suicide is not an option. But then again, you just can't fathom what somebody is going through in that moment. And that's about it. It's devastating news. In no way am I capitalizing on the fact that someone's committed suicide and putting this out there. I've always been vocalizing stuff about depression, insomnia, mental health, and I always will continue to do that. I always will. मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको तकलीफ हो रही है, if you're not feeling good about life, if you're not feeling good about something, please जाके किसी को बोलिए. Please, मैं आपसे request कर रहा हूँ. हमने आज तक इसे बहुत lightly लिया है. लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हम इसे उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को देते हैं. प्लीज स्टे सेफ एंड जस्ट बी देयर फॉर ईच अदर. दैट्स ऑल दैट वी नीड. कंपैशन, लव, हार्मनी, टुगेदरनेस, एंड एज अ टीम, इवन ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट डेज पीपल कैन गेट थ्रू दिस. ठीक है.